अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे डिस्कस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहले आप समझ लें कि इसका मतलब क्या होता है। क्यूब का मतलब होता है कि हमने 3 पावर लेनी है, और रूट बोलते हैं जड़ को। आपने सुना होगा स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, क्यूब रूट। तो जिसका भी हम रूट कर रहे हैं वो नंबर 1 ओवर में आया करेगा। उसके बाद है यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है 1। यूनिटी बोलते हैं 1 को। रूट का मतलब कि लेट्स सपोज, अब इसका मतलब ये होगा कि मैंने जो भी वैल्यू करनी वो 1/3 बनेगी। अगर वो स्क्वायर रूट लिखा हो तो वो 1/2 होता है। अगर फिफ्थ रूट लिखा हो तो 1/5 होता है। जितने नंबर का रूट होगा वो 1 ओवर में आएगा। अब टॉपिक में यह है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करें, मतलब उसके जो वैल्यूज़ बनती हैं वो कितनी बनती हैं हमें नहीं पता। जिसका ना पता हो उसको मैथमेटिक्स के अंदर लेट किया जाता है। हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्स है ना वो क्यूब रूट है ऑफ यूनिटी है। ये हमने क्या किया है, ये हमने लेट कर लिया है कि जो एक्स है वो किसका क्यूब रूट है, यूनिटी का। मत इसका मतलब ये हुआ कि एक्स इक्वल में मिलेगा मुझे 1/3, क्योंकि क्यूब रूट हम कर रहे हैं 1 का। अब ये पावर जो 1/3 है इसको मैंने यहाँ से रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए दोनों तरफ मैं क्यूब लूँगा। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब का मतलब होता है कि हम दो तरफ पावर 3 ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड पे पावर 3 आ जाएगी और राइट हैंड पे 1/3 एंड होल पावर 3। ये 3 से कट जाएगा, जो बाकी लिखी हुई है x3 इक्वल में आ जाएगा 1। अब राइट पे 1 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, प्लस है। मतलब जब इसको हम लेफ्ट पे लाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x3 और -1 इक्वल में आ जाएगा 0। तो ये बन रहा है, ये x का क्यूब बन रहा है। 1 को 1 का क्यूब ले सकते हैं, क्योंकि 1 की पावर जो मर्जी ले लो आंसर में 1 ही आएगा। अब हम क्यूब का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को यहाँ पे हम अप्लाई करने लगे हैं। तो आपने क्यूब का जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है। a³ - b³ लिखा हुआ हो तो उसका जो फॉर्मूला बनता है, पहले बगैर क्यूब के लिखा जाता है, उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर लिखा जाता है, सेंटर वाला साइन चेंज करते हैं, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। उसके बाद दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई और एंड पे लास्ट वाली टर्म का स्क्वायर किया जाता है। तो सिमिलरली इस पे भी हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले x-1, फिर a² + ab, दोनों को करना मल्टीप्लाई, एक्स ये आएगा प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो x-1 0, 2 का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब है आइदर x-1 0 और x² + x + 1 = 0। यहाँ से x हमें कितना मिल जाएगा, 1। तो अब हम क्यूबिक से डायरेक्ट आए हैं क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो जब भी क्यूबिक से आप एकदम क्वाड्रेटिक के ऊपर आएँ तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी कि इसके फैक्टर कभी नहीं बनते, और इसको हल तो करना है, और इसको हल करने के लिए यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो उसके लिए इसे कंपेयर किया जाता है ax² जनरल फॉर्म के साथ क्वाड्रेटिक की, +b + c = 0। तो यहाँ से a₁ मिल जाएगा, b₁ मिलेगा और c₁ मुझे कितना मिल जाएगा, 1। उसके बाद हम जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसकी हेल्प से अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ हमने पीछे a, b, c की फाइंड आउट की थी कंपेयर करके, वो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। तो b की वैल्यू 1 थी लेकिन साथ माइनस है, 1² - 4 a₁ है और c₁ कितना था, 1। सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, ओवर 2 a₁ थी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम, -1 + -1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 ones are 4 विद इन स्क्वायर रूट ओवर 2, -1 + -√3
ओवर में क्या आ गया, टू आ गया। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का नंबर आ जाए तो वो जो आंसर बनता है वो कम्प्लेक्स रूट्स में जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ जो माइनस वन होता है वो इक्वल होता है आयोटा के। तो जब भी किसी भी नंबर के अंदर जब आयोटा आ जाए तो उनको हम कहते हैं कम्प्लेक्स रूट का नाम दे जाते हैं। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस के लिहाज से है और दूसरी किस लिहाज से है, माइनस के लिहाज से है। ये दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं। अब इसमें से जो कम्प्लेक्स रूट्स को डिफरेंट तरह के नेम दिए हुए हैं बुक के ऊपर, अब इनमें से एक को हम कहेंगे कि ओमेगा है, वो जिसको मर्जी कह दें ओवर टू, दूसरी फिर होगी ओमेगा स्क्वायर। अब इसका प्रूफ है कि आया कि हम इसको ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं, या इसको ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं कि नहीं, उसके लिए छोटे से प्रूफ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फिर जिसको मर्जी आप ओमेगा, जिसको मर्जी आप ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। अगर मैं इस वैल्यू को यूज़ करके वहाँ से ये वैल्यू बना दूँ, मतलब कि हम फिर जो मर्जी नाम रख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ओमेगा की वैल्यू थी उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूँ दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड पे तो ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा, राइट पे मुझे जो स्क्वायर है उसका जो फॉर्मूला है वो हल करना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर इस ऊपर वाले नंबर का भी है, नीचे वाले का, क्योंकि ऊपर स्क्वायर इकट्ठा है, तो नीचे वाले का स्क्वायर तो बन जाएगा फोर। अब इस पे मैं स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करूँगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ये मैंने ऊपर वाले टर्म्स के ऊपर जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव है और ऊपर इवन पावर है तो ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और वन का स्क्वायर वन होता है, टू वन जार माइनस टू, बाकी स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री एज इट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा तो बाकी बचेगा माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस थ्री ओवर फोर। ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये सॉल्व साथ नहीं होगा। इसका रीज़न ये है कि इस जैसा कोई नंबर और है ही नहीं, इसलिए थ्री में से वन गया तो बचेगा माइनस का टू, माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री ओवर फोर। अगर ऊपर वाले में से हम टू कॉमन निकाल लें तो माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री ओवर फोर कटिंग करेंगे तो ये बनेगा माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस थ्री ओवर टू। ये किसकी वैल्यू मुझे मिल गई है, ओमेगा स्क्वायर की। तो इसी वजह से मैंने कहा था कि जिसको मर्जी कोई भी नाम दे सकते हैं, ओमेगा का दे सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर का दे सकते हैं, या जिसको ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया हुआ है उसको ओमेगा का नाम भी दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट यूनिटी हैं, तो ये तीन आंट्स बने थे उस जो पीछे मैंने फाइंड किया था, उसमें से ओमेगा की वैल्यू ये थी, ये ओमेगा स्क्वायर की थी। अब अगर इसकी दो प्रॉपर्टी हैं, अगर हम रूट्स जो आंट्स मिलते हैं यूनिटी के, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो उससे हमारा रिजल्ट क्या बनता है, तो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन वैसे ही ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज लगाई हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें इस वैल्यू का एलसीएम करना पड़ेगा, टू एलसीएम में आ जाएगा। ये जो टू है ये इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू वन जार टू, ये टू इस टू से कटेगा तो बाकी दोनों अमाउंट जो हैं प्लस माइनस माइनस वन प्लस के रूट ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस वन माइनस के रूट ऑफ माइनस थ्री, बाकी ऐसे लिख, ये नंबर नेगेटिव में है, ये नंबर प्लस में कट गए, टू टू ये कट गए, मतलब ये प्लस का टू है ये माइनस टू बनेगा, तो ऊपर आ जाएगा जीरो। कुछ बच्चे कट करके ना वन लिखते हैं, जब आपस में प्लस माइनस से कटिंग हो रही तो जीरो आंट्स आता है हमेशा, जब अप एंड डाउन कटिंग हो फिर आंट्स वन आता है, तो जीरो बाय टू करेंगे तो आंट्स जीरो मिल जाएगा। मतलब ये हुआ अगर हम रूट्स के जो क्यूब रूट ऑफ यूनिट को सम करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इससे फर्दर कुछ रिजल्ट्स हम ड्राइव कर सकते हैं, वन प्लस ओमेगा इक्वल में है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल में है जी माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल में है वन। तो ये तीनों आंट्स मैंने इस रिलेशन से फाइंड आउट किए हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आंट्स का, तो मैंने तीनों जो आंट्स मिले थे उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा, ये सिंपली मल्टीप्लाई टू टू जार बन जाएगा फोर, जब इस वन को सब्स करेंगे तो आंट्स में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर लिखा हो तो वो होता है ए प्लस बी
और सात क्या होता है a माइनस बी, या इस फॉर्म में लिखा हो तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर इस फॉर्म में है तो इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं सवाल की शर्त के मुताबिक। तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब ये हुआ कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये क्या बनेगा नेगेटिव है वन है तो ऊपर इवन पावर है तो ये प्लस वन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन होता है, ये कटिंग करेंगे तो बचेगा माइनस थ्री, सादा एक माइनस बाहर लिखा तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री ओवर फोर, तो थ्री प्लस वन ये बन जाएगा फोर ओवर फोर, फोर फोर से कट गया तो आंस कितना मिला वन। अगर हम इनको लेफ्ट हैंड पे जो लिखा इनको आपस में करना मल्टीपल तो आंस बनता है ओमेगा थ्री, मतलब ओमेगा थ्री की वैल्यू कितनी होती है वन, इसका भी हम जो सवाल है उसके अंदर इनको इस्तेमाल करेंगे।